गुड मॉर्निंग गर्ल्स। बेटा कल मैंने आपको चैप्टर नंबर 9 में एग्जाम्पल नंबर 1 करवाया था, ठीक है। आई होप आपको इसके डेफिनेशंस और इसके मेथड्स समझ आ गए होंगे। आज मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल बता रही हूँ, ठीक है। चलिए देखिए बेटा, एग्जाम्पल नंबर 2, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, यहाँ पे हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ एक कॉन्स्टेंट टर्म है, ठीक है ना। तो इट मींस ये हमारे पास इक्वेशन किसकी है, कांस्टेंट कोफिशिएंट की है। कैसे करेंगे बेटा इसमें हम, सेम वही। सबसे पहले आपको इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आफ्टर कन्वर्टिंग इन सिंबॉलिक फॉर्म यू हैव टू कन्वर्ट द इक्वेशन इन द ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। ये दोनों स्टेप्स आपको पता है, सेम वैसे ही करने हैं। जब हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल जाती है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके रूट्स फाइंड आउट करते हैं। तो बेटा आपको इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने हैं। जब आपको रूट्स मिल जाएंगे, अब आप बेटा यहाँ पे ध्यान से देखो, हमें यहाँ पर रूट्स क्या गिवन है, -1, -1, -1 एंड 4। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें हमारे रूट्स क्या मिल गए हैं, -1, -1, -1 एंड 4। हम इसके बाद जो अपना कंप्लीट सॉल्यूशन निकालते हैं वो किसके ऊपर बेस निकालते हैं, जो हमारे यहाँ पर रूट्स होते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पर हमारे पास जो रूट्स हैं वो किस नेचर के हैं। हमारे पास 3 वैल्यूज तो सेम है, लेकिन लास्ट वाली वैल्यू मेरी क्या है, डिफरेंट है। चलो अब कल जो मैंने आपको वो टेबल बताई थी, इसमें देखते हैं केस नंबर 2 कि अगर हमारे पास वैल्यूज इक्वल होती हैं और बाकी अदर रूट्स हमारे रियल और डिफरेंट होते हैं, तब हम ये वाला अप्लाई करते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए। तो बेटा अब मैं ये वाला अप्लाई कर रही हूं, तो इसमें हमने बस सिंपली क्या करना है, आपने इसको m1 लेट करना है, ये m2 है, ये m3 है एंड दिस इज योर m4। तो हमने इनको कंप्लीट सॉल्यूशन में लिखना है। तो बेटा जो 3 वैल्यूज आपकी रिपीट हो रही है ना, जब रिपीटेड वैल्यूज होती हैं तो आपको सिर्फ क्या करना है, c1 + c2x + c3x का स्क्वायर, यानी कि 3 टाइम्स अगर हमारे पास वैल्यू सेम है तो हम 3 कांस्टेंट वैल्यूज लेते हैं और उन्हीं के साथ हमने x वेरिएबल की मल्टीप्लाई करनी है। तो पहले c1 देन x देन x स्क्वायर, और साथ में क्या आएगा, e^-x। माइनस x क्यों आया, क्योंकि हमारे पास m1 m2 और m3 की वैल्यू क्या है, -1, तो पावर में क्या आएगा, -1x। और लास्ट में जो m4 है, m4 आपके पास एक अलग वैल्यू है, तो वो क्या आ जाएगा, c4e^4x, ठीक है। तो जब भी हमारे पास वैल्यूज सेम होंगी, सेम वैल्यूज होने के बाद आपने क्या करना है, उसको e^4 में एक बार 1 टाइम ही लिखना है और साथ में कांस्टेंट वैल्यूज की मल्टीप्लाई। तो कांस्टेंट वैल्यूज आपको उतनी लिखनी है जितने आपके पास रूट्स इक्वल होंगे। तो अगर यहाँ पे 3 रूट्स इक्वल है तो हमने c1 c2 c3 लिया, अगर यहाँ पे केवल -1 -1 2 टाइम्स होते तो हम c1 और c2 ही लेते, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं। ऐसे ही बेटा आपको एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5 करना है। तो जस्ट आपको क्या करना है बेटा, अपने रूट्स के अकॉर्डिंगली आपको ये चेक करना है कि कौन से केस में मैं कौन सा कंप्लीट सॉल्यूशन अप्लाई करूंगी, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 9.1। बेटा इसमें 11 क्वेश्चंस हैं, ये 11 क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं, क्लियर। चलिए अब आता है नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज 9.2। तो बेटा जो 9.2 आपकी एक्सरसाइज है, इसमें ना आपके कुछ आर्टिकल्स हैं, कुछ आपकी ना फॉर्म्स हैं। तो आज ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है आपका, तो प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। चलिए देखो, सबसे पहले इसमें हम 2-3 आर्टिकल्स पढ़ेंगे, हाँ। तो क्या आर्टिकल्स पढ़ेंगे, देखो वो फर्स्ट थ्योरम में हमें कह रहा है, इफ y इक्वल्स टू कैपिटल y इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। मान लो आपके पास एक कंप्लीट सॉल्यूशन है, ठीक है ना, ये आपके पास एक इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हमारे पास गिवन है, विच इज इक्वल्स टू 0। फिर वो बोल रहे हैं कि एंड यू इक्वल्स टू वाई बी अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन, कि अगर मेरे पास एक और वाई है जो किसके इक्वल है, यू के इक्वल है, वो आपके पास एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है ऑफ द इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन के, इस इक्वेशन के, जो इक्वेशन इक्वल्स टू किसके होगी, एक्स के इक्वल होगी, तब वेयर एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, जो ये x है ये क्या है आपका फंक्शन है x का, देन द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 2 इज, फिर इस इक्वेशन का जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा बेटा वो क्या होगा, स्मॉल y इक्वल्स टू कैपिटल y प्लस
यू, यानी कि अगर मेरे पास दो डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं, एक तो इस फॉर्म में और एक इस फॉर्म में, यानी कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन मेरी इक्वल्स टू जीरो के है, सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे पास इक्वल्स टू एक्स के है, यानी कि फंक्शन आपका क्या होगा एक्स में होगा, तब उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपका क्या होगा कैपिटल वाई प्लस यू। ठीक है, तो ये जो आपकी स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट हम किसी एग्जाम्पल पे या फिर किसी इक्वेशन पे मैं आपको अभी अप्लाई करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो अभी फिलहाल आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में होगी जो इक्वल होगी x के, और x आपका यहाँ पे कोई एक फंक्शन है स्मॉल x का, तब उसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा ये वाला। ठीक है, चलो इसके बाद बेटा आपकी एक डेफिनेशन आती है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, देखो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होते हैं। इन द कंप्लीट सॉल्यूशन, देखो हम सबसे लास्ट में क्या निकाल रहे थे, कंप्लीट सॉल्यूशन निकाल रहे थे ना। अभी हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या किया, रूट्स निकालने के बाद हमने कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है ना। तो बेटा हमें जो कंप्लीट सॉल्यूशन है इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का जो इक्वल्स टू एक्स के होगी, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले एक बार कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और एक पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करना होता है। वो कैसे करते हैं, देखो इन द कंप्लीट सॉल्यूशन, जो मुझे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा वाई इक्वल्स टू कैपिटल वाई प्लस यू ऑफ इक्वेशन नंबर टू, जो इस इक्वेशन का मुझे कंप्लीट सॉल्यूशन मिला है y इक्वल्स टू कैपिटल y प्लस यू, इसमें जो आपका कैपिटल y है दिस इज योर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और जो स्मॉल u है दैट इज योर पर्टिकुलर इंटीग्रल। क्लियर है बेटा, तो यहां बेसिकली वो हमने क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन थी इस फॉर्म में जो इक्वल्स टू x के थी, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मुझे ये मिला था। ठीक है ना, तो इस कंप्लीट सॉल्यूशन में जो कैपिटल वाई है उसको हम क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और जो स्मॉल यू है दैट इज योर पर्टिकुलर इंटीग्रल। इट मींस अगर मेरे पास कोई भी इक्वेशन इक्वल्स टू एक्स के होगी तब उसका कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो बेटा बेसिकली आपको अपने क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद बेटा कुछ मतलब आपके ऑपरेटर्स आते हैं, मीनिंग ऑफ द सिंबल वन अपॉन एफ ऑफ टी और द इनवर्स ऑपरेटर ऑफ वन अपॉन एफ ऑफ डी। बेटा इस सिंबल का क्या मतलब है, ठीक है देखो वन अपॉन एफ ऑफ टी का मतलब क्या है, वन अपॉन एफ ऑफ डी एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स फ्री फ्रॉम आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट विच वेन ऑपरेटेड बाय एफ ऑफ डी गिव्स एक्स। तो वो हमें कह रहे हैं कि 1 अपॉन एफ ऑफ डी एक्स ये हमारे पास एक फंक्शन है x का जो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट वैल्यू से फ्री है, विच वेन ऑपरेटेड बाय एफ ऑफ डी गिव्स x, कि जो अब हम इसको ऑपरेट करते हैं तो वो हमें एक x का फंक्शन मिलता है। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर हमारे पास क्या है कि एफ ऑफ डी इंटू 1 अपॉन एफ ऑफ डी ऑफ x किसके इक्वल होता है, हमारा x के इक्वल होता है। ठीक है, नाउ देयर फॉर एफ ऑफ डी एंड वन अपॉन एफ ऑफ डी आर द इनवर्स ऑपरेटर। बेटा ये दोनों हमारे पास क्या है, एक इनवर्स ऑपरेटर है जिसमें दे कैंसिल ईच अदर्स इफेक्ट व्हेन बोथ एक्ट ऑन एनी फंक्शन लिविंग द फंक्शन इंटैक्ट, कि ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं व्हेन दे बोथ एक्ट ऑन एनी फंक्शन, अगर ये किसी भी फंक्शन पे एक्ट करते हैं तो ये हमारे कैंसिल हो जाते हैं, देन दे लिव द फंक्शन इंटैक्ट। सो द सिंबल वन अपॉन डी स्टैंड्स फॉर द इंटीग्रेशन। बेटा कभी भी अगर आपके पास 1 अपॉन डी लिखा होगा तो 1 अपॉन डी किसके लिए यूज किया जाता है, बेसिकली हमारा इंटीग्रेशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपके पास एक रिजल्ट है थ्योरम नंबर 2, वी हैव टू प्रूव दैट 1 अपॉन एफ ऑफ डी एक्स इज अ पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ डी वाई इक्वल्स टू एक्स। बेटा हमें ये प्रूफ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये रिजल्ट याद रखना है कि अगर मेरे पास 1 अपॉन कोई एक फंक्शन है और साथ में मल्टीप्लीकेशन में x है, देन दिस इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, अभी आप सिर्फ ये रिजल्ट ध्यान रखिए, इसको हमें अप्लाई कैसे करना है ये मैं आपको क्वेश्चंस में समझाऊंगी। नाउ द थर्ड थ्योरम इज प्रूव दैट 1 अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स नो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट बींग एडेड। यहाँ पे अगर आपके पास 1 अपॉन डी इंटू एक्स है, 1 अपॉन डी इंटू एक्स का मतलब क्या होगा बेसिकली, बेटा देखो मैं आपको थ्योरम नंबर 3 बताती हूँ। थ्योरम नंबर 3 का रिजल्ट हमें ये बोलता है कि अगर मेरे पास 1 अपॉन डी इंटू एक्स है तो इसको बेसिकली हम क्या लेकर चलते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको क्वेश्चन में गिवन है ये वाली टर्म, तो आप डायरेक्टली क्या करोगे 2x स्क्वायर की
इंटीग्रेशन करोगे। तो बेटा बेसिकली ये ना आपके सिंबल्स हैं, ये आपके सिंबल्स हैं जो कुछ आपको रिप्रेजेंट करा रहे हैं कि अगर 1/d लिखा हुआ है और उसके साथ कोई भी x का एक फंक्शन लिखा है तो आपको उस x के फंक्शन के इंटीग्रेशन करनी है। सो इट मींस अगर मेरे पास 1/d इंटू 2x² लिखा है तो 2x² की बेसिकली आपको क्या करनी है, इंटीग्रेशन करनी है। क्लियर है? तो अगर किसी भी प्लेस पर आपके पास ये लिखा होगा तो यू हैव टू इंटीग्रेट द फंक्शन ऑफ x। चलिए तो ये क्या थी आपकी बेटा थ्योरम नंबर 3। नाउ थ्योरम नंबर 4। बेटा ये जो थ्योरम्स हम पढ़ रहे हैं ना, इनके ये रिजल्ट जो मैं आपको बता रही हूँ ये हमें अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं। क्लियर है ना? चलो अब एक काम करते हैं, मैं आपको ऐसे बताती हूँ रिजल्ट सबके। नेक्स्ट वन इज योर थ्योरम नंबर 4। थ्योरम नंबर 4 का रिजल्ट हमें क्या कहता है कि अगर मेरे पास 1/d-α इंटू एक्स है तो वो मेरा किसके इक्वल होगा, e^α x इंटीग्रेशन e^α-α x इंटू कैपिटल x dx। देखो बेटा ध्यान से, यहां पे ना हमें कोई भी एक टर्म दी होगी जो इस फॉर्म में होगी 1/d-α इंटू एक्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको दिया हुआ 1/d-2x². आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपको एग्जाम्पल में बोला है 1/d-2 इंटू एक्स स्क्वायर। तो अगर आपको इस फॉर्म में कोई भी एक एग्जाम्पल में टर्म गिवन होगी तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, इसको इक्वल लिखोगे। किसके इक्वल लिखोगे, e^2x इंटीग्रेशन ऑफ e^-2x x² dx। देखो ये मैंने कैसे किया, यहां पे d है यहां पर भी d है। अब बेटा देखो यहां पर d है यहां पर भी d है। अगर मैं कंपेयर करती हूं तो अल्फा की वैल्यू मेरी क्या होगी, 2, और यहां पर क्या है कैपिटल x। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल x, कि हमारा फंक्शन क्या है, x का फंक्शन है। तो यहां पर मुझे कैपिटल x की वैल्यू क्या दी हुई है, x². तो आपको सिंपली क्या करना है, अगर इस फॉर्म में आपके पास कोई भी टर्म होती है तो आपने उस टर्म को इसके इक्वल रखना है। तो इक्वल कैसे रखेंगे, अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, कैपिटल x की वैल्यू मिल जाएगी, आपको उसको इसमें पुट करना है। इसमें पुट करके बस आपको सिंपली इसको बाद में सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो मैंने अल्फा के प्लेस पर 2 पुट किया और कैपिटल एक्स के प्लेस पर x² पुट किया, ठीक है। तो इस फॉर्म में अगर आपका होगा तो आपको इसको ऐसे पुट करना है। क्लियर? चलो अब इसके बाद आता है बेटा हमारे पास थ्योरम नंबर 5। थ्योरम नंबर 5 हमें क्या कहती है कि वी हैव टू डिटरमाइन द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ f(dy)=x, कि हमें यहां पर क्या चेक करना है, जो मेरा फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ y विच इज इक्वल्स टू x, तो हमें इसका क्या निकालना होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना होता है। तो हम ना बेटा बेसिकली क्या करते हैं कि अगर मेरे पास कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है कांस्टेंट कोफिशिएंट की, उसमें हम सबसे पहले सिंबॉलिक फॉर्म करते हैं, फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन करते हैं, फिर उसकी रूट्स फाइंड आउट करते हैं और रूट्स के अकॉर्डिंगली हम अपना कंप्लीट सॉल्यूशन निकालते हैं। तो हमने एक बेसिकली हमें अपना कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना होता है तो उसके हम केसेस चेक करते हैं, हम अपने इक्वेशन को चेक करते हैं, उसके ही अकॉर्डिंगली हम अपना कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो बेटा कुछ हमारे केसेस ऐसे होते हैं कि जहां पर हमारी जो इक्वेशन है ना वो हमारी फेल हो जाती है, ठीक है। तो मैं आपको एक केस डिस्कस कर रही हूं, ठीक है। एग्जाम्पल कराने से पहले एक हमारे पास स्पेशल केस होता है कि अगर किसी भी इक्वेशन में कोई केस हमारा फेल हो जाता है, ठीक है। मान लो आपको एक टर्म दी है 1/f(d e^(ax) = 1/f(a e^(ax) जिसमें f(a) आपका क्या है, ≠ 0, ठीक है। अगर आपको दिया हुआ है कि 1/ कोई फंक्शन है और साथ में e^(ax) है, ठीक है, तो वो किसके इक्वल होता है, इसी के ही इक्वल होगा, 1/f(a) इंटू e^(ax) के, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है कि ये टर्म आपकी जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर इन एनी केस f(a) आपका जीरो हो जाता है तो वो हमारा क्या हो जाता है, केस ऑफ फेलियर। क्लियर? तो देखो बेटा जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको एक टर्म दी है 1/ क्या लेट करूं f(d) के लिए,
मान लीजिए आपको दिया हुआ है डी माइनस थ्री का होल स्क्वायर, ठीक है, ई रेस टू दी पावर 3x, आपको ये टर्म दी हुई है। अब मुझे इस टर्म को इसके साथ कंपेयर करना है। देखो ये भी फंक्शन है और ये भी आपका फंक्शन है, ये ई रेस टू दी पावर ax है, ये ई रेस टू दी पावर 3x है, तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 3, ठीक है। इसमें पुट करो 1 अपॉन f ऑफ a, f ऑफ a का मतलब क्या है, जो मुझे ये फंक्शन दिया हुआ है इसमें मुझे d के प्लेस पर a की वैल्यू को पुट करना है, तो इट मीन्स d माइनस 3 का होल स्क्वायर है, तो d के प्लेस पर मैं a की वैल्यू पुट करूंगी, तो a की वैल्यू कितनी है 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर e रेस टू दी पावर 3x, पर ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0। और मैंने क्या बोला था कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, अगर हमारा 0 हो जाता है तो वो हमारा क्या हो जाता है, केस ऑफ फेलियर। तो बेटा जब भी हमारे पास कोई भी टर्म जीरो हो जाती है, वो केस ऑफ फेलियर हो जाता है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, एक फॉर्म अप्लाई करते हैं, वो क्या होती है आपकी 1 अपॉन एफ ऑफ डी ई रेस टू दी पावर ए एक्स इक्वल्स टू एक्स 1 अपॉन डी ओवर डी एफ ऑफ डी ई रेस टू दी पावर ए एक्स। तो बेटा जब भी आपके पास केस ऑफ फेलियर होगा आपको ये वाला रिजल्ट यूज करना है, क्लियर है। इसको यूज कैसे करना है ये मैं आपको एग्जांपल में समझाऊंगी। तो बेसिकली आपका ये है कि जब भी आपके पास कोई भी टर्म में केस ऑफ फेलियर आ जाता है, यानी कि डिनोमिनेटर में जीरो हो जाता है, तो उसके बाद हम उस केस ऑफ फेलियर को आगे फर्दर किससे सॉल्व करते हैं, इस मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो अब इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स करते हैं, जो मैंने आपको डेफिनेशंस और ये सारी थ्योरम्स के रिजल्ट बताए हैं, अब हम इनको क्वेश्चंस में अपने एग्जांपल्स में अप्लाई करते हैं, क्लियर। चलो मैं अब आपको एग्जांपल नंबर 1 करवा रही हूं। एग्जांपल नंबर 1 के हमारा सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या गिवन है, d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस 3 dy ओवर dx प्लस 2y इक्वल्स टू e रेस टू दी पावर 5x। बेटा मुझे ये इक्वेशन गिवन है, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, जो भी हमें इक्वेशन गिवन है सबसे पहले हमें उसको किस में कन्वर्ट करना है, सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। लेकिन बेटा ध्यान से देखो, जो मुझे ये इक्वेशन गिवन है उसकी जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड हमारा एक फंक्शन है एक्स का, ये एक्स का फंक्शन है ना। लेकिन कल जो मैं आपको एक्सरसाइज करा रही थी, फर्स्ट एक्सरसाइज, उसमें आप ध्यान से देखना बेटा, देखो दिस इज योर एक्सरसाइज नंबर 1, देखो इसमें राइट हैंड साइड हमेशा क्या होगी, 0 होगी। देखो आपके पास फर्स्ट एक्सरसाइज है ना 9.1, देखो 9.1 में सारी की सारी डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल्स टू 0 होगी, यानी कि राइट हैंड साइड हमेशा क्या होगी आपकी, 0। तो आपको ये पहचान हो जाएगी कि अगर इक्वेशन हमारे पास इक्वल्स टू 0 है, सो इट मींस हम फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। जो सेकंड एक्सरसाइज है, सेकंड एक्सरसाइज जो मैं आपको आज करा रही हूं, उसमें हमेशा आपकी जो राइट हैंड साइड होगी वो एक्स का फंक्शन होना चाहिए। इट मीन्स सेकेंड एक्सरसाइज में हमेशा आपकी राइट हैंड साइड एक्स के फंक्शन में ही होनी चाहिए। तो ये हमें पता चल जाएगा कि दिस इज योर एक्सरसाइज नंबर 2, ठीक है ना। चलो अब हमें इसको कैसे सॉल्व करना है, सबसे फर्स्ट स्टेप है आपको इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन इज, देखो यहां पर क्या है सेकेंड डेरिवेटिव, तो क्या आएगा डी टू वाई माइनस 3 डी वाई पॉइंट डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा बेटा डी वाई प्लस 2y इक्वल्स टू ई रेस टू दी पावर 5x, क्लियर है। चलिए अब हम क्या करते हैं, यहां पर से y कॉमन ले लेते हैं ना, तो y कॉमन ले लो इक्वल्स टू ई रेस टू दी पावर 5x। नाउ द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, सिंबॉलिक फॉर्म के बाद हमें क्या करनी होती है, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी होती है। तो इसकी हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है बेटा, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, जब हम
अपने इक्वेशन को सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और सिंबॉलिक फॉर्म से ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो मैंने क्या बताया था कि y को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, y को हम ऑक्सिलरी इक्वेशन में नहीं लिखते हैं। लेकिन यहाँ तो राइट हैंड साइड हमारे पास e रेज़ टू द पावर 5x है, तो मैंने यहाँ 0 क्यों लिखा, क्योंकि हमेशा ऑक्सिलरी इक्वेशन आपकी इक्वल्स टू 0 के होती है। आपके पास राइट हैंड साइड में बेटा जो मर्जी वैल्यू हो, हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन में हमेशा 0 ही लिखना है। क्लियर है? तो राइट हैंड साइड आपके पास e रेज़ टू द पावर 5x है, लेकिन जब हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे तो दैट विल ऑलवेज इक्वल्स टू 0। डेफिनेशन पढ़ी थी ना ऑक्सिलरी इक्वेशन की, क्या थी कि हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑलवेज टेंड्स टू 0। तो इट मींस अगर राइट हैंड साइड जो मर्जी हो ऑक्सिलरी इक्वेशन में जब कन्वर्ट करोगे तो इक्वल्स टू 0 ही लिखोगे। चलो अब इसको हमें कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट कर लिया, अब हमने क्या करना है, इसके रूट्स फाइंड आउट करना है। रूट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टर बनाने सारे बच्चों को आते हैं ना, तो आपको फैक्टर खुद बनाने हैं, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रही हूँ, ठीक है बेटा। तो हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, डी माइनस वन एंड डी माइनस टू, तो हमारे पास डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 और 2। तो मुझे रूट्स मिल गए, रूट्स क्या है मेरे पास, 1 और 2। 1 और 2 मेरे पास जब रूट्स मिल गए हैं, हमें सबसे पहले क्या चेक करना है कि मेरे जो रूट्स हैं क्या वो सेम है या नहीं, डिफरेंट है या इमेजिनरी है। तो मेरे दोनों ही टर्म्स क्या है, रियल है और डिफरेंट है, तो मैं इसमें कंप्लीट सॉल्यूशन कौन से वाला लूंगी, केस वन वाला लूंगी। लेकिन यहां हम कौन सी इक्वेशन लेकर चल रहे हैं, जिसका राइट हैंड साइड हमारा एक्स का फंक्शन है, तो इन वाली इक्वेशन में आप कंप्लीट सॉल्यूशन ऐसे नहीं निकालोगे। तो हमें अभी सबसे पहले क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। क्लियर है? तो बेटा जिसमें आपकी राइट हैंड साइड एक एक्स का फंक्शन होगा, उसमें आपको सबसे पहले रूट्स के बाद कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है। तो इसमें आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वही होगा जो फर्स्ट एक्सरसाइज में आप कंप्लीट सॉल्यूशन निकालते थे, ठीक है ना। तो रूल्स वही फॉलो करने हैं, अप्लाई वही करना है, बस यहां हम उसको क्या नेम देंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। चलो दोनों ही डिफरेंट है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, c1 e रेज टू द पावर m1x प्लस c2 e रेज टू द पावर m2x। ये m1 मान लो, इसको m2 लेट कर लो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, c1 e रेज टू द पावर 1x प्लस c2 e रेज टू द पावर 2x। सो दिस इज योर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। अब मुझे इसके बाद क्या निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, अब हमें नेक्स्ट क्या निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए फॉर्मूला हमारा क्या होता है बेटा, 1 अपॉन f(d) × x, ठीक है। तो 1 अपॉन f(d) का मतलब क्या है, जो आपका फंक्शन है d का फंक्शन क्या है, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे f(d) के प्लेस पर आप क्या लिखोगे, d² - 3d + 2। और यहाँ पे x का मतलब क्या है, जो इक्वेशन की क्या होगी, राइट हैंड साइड आपका x का फंक्शन है ना, क्या है, e रेज टू द पावर 5x, तो वो हमें यहाँ पर पुट करना है, e रेज टू द पावर 5x। क्लियर है? चलो इसके बाद बेटा हमारे पास एक रूल होता है इसमें, कि जो e की पावर 5x है, ठीक है ना, तो x के साथ जो आपका कोफिशियंट होगा वो हमें d की वैल्यू में पुट करना होता है। क्लियर है? दिस इज योर रूल। क्या रूल है, कि अगर मेरे पास 1 अपॉन f(d) × e रेज टू द पावर 5x है, यानी कि e की पावर में जो x का कोफिशियंट होगा वो हमें d के प्लेस पर पुट करना है, यानी कि d की वैल्यू में क्या पुट करूंगी, 5। तो यहां सब जगह d के प्लेस पर क्या पुट करना है, 5। अब इसको सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा, 5² 25 - 5 = 15 + 2 e रेज टू द पावर 5x। तो मेरे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 12 e रेज टू द पावर 5। तो बेटा ये आपको क्या मिल गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल। क्लियर है? पर्टिकुलर इंटीग्रल भी मिल गया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी मिल गया, अब मुझे क्या निकालना है लास्ट में, कंप्लीट सॉल्यूशन। तो कंप्लीट सॉल्यूशन की अभी डेफिनेशन बताई थी, कि अगर कभी भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल्स टू एक्स के दी होगी, तब उसके कंप्लीट सॉल्यूशन का फॉर्मूला होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस
पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो सी एफ का मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और पी आई का मतलब क्या है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो सी एफ हमारे पास क्या है, सी वन ई रेस टू द पावर एक्स प्लस सी टू ई रेस टू द पावर टू एक्स प्लस वन अपॉन ट्वेल्व ई रेस टू द पावर फाइव एक्स। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर एवरीवन? चलो अब एक बार दोबारा से ध्यान से देखो बेटा कैसे कैसे करना है। जब भी मुझे कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी और उसकी राइट हैंड साइड आपका फंक्शन होगा एक्स का, तब हमें इसमें अलग मेथड से सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, पहले आप उसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, सिंबॉलिक फॉर्म के बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए जो राइट हैंड साइड होगी वो हमेशा हमारी जीरो होगी, और भले ही चाहे हमें एग्जाम्पल में कोई ना कोई टर्म दी हो, लेकिन आप ऑक्सिलरी में जब कन्वर्ट करोगे तो इक्वल टू जीरो के ही पुट करोगे। उसके बाद हमें इसके फैक्टर बनाने हैं, रूट्स निकालने हैं, रूट्स कितने आ गया हमारा डी इक्वल टू वन टू। इसके बाद हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए आपको वही रूल्स और वही केसेस यूज करने हैं जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए यूज किया था, तो वही आप यहां पर यूज करोगे और इसका सी एफ फाइंड आउट करोगे। इसके बाद हमें क्या निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल, पी आई मीन्स पर्टिकुलर इंटीग्रल। फॉर्मूला क्या होता है इसका बेटा, वन अपॉन एफ ऑफ डी इंटू एक्स, वैल्यूज पुट करेंगे ई की पावर में, एक्स का जो कॉफिशियंट होगा वो आपको डी के प्लेस पर पुट करना है, पुट करेंगे सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट इज योर पी आई। तो लास्ट में कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द कंप्लीट सॉल्यूशन, सी एफ प्लस पी आई। ठीक है, तो बस आपने यहाँ पे सी एफ की वैल्यू पुट करनी है, पी आई की वैल्यू पुट करनी है, दैट इज योर कंप्लीट सॉल्यूशन। क्लियर एवरीवन? तो बेटा आपको ये ट्राई करना है आज। ठीक है, चलिए अब इसका सेकेंड एग्जाम्पल देखो। यहाँ पे क्या करना है बेटा, सेम वही है, इक्वेशन गिवन है, राइट हैंड साइड आपके पास एक फंक्शन है एक्स का, पहले इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देन ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन के बाद फैक्टर्स बनाने हैं और अपने रूट्स फाइंड आउट करने हैं। अब रूट्स क्या है, दोनों इक्वल है ना, और मैंने क्या कहा था, जब भी दोनों टर्म्स इक्वल होती है, यहाँ पर टू टर्म्स हैं तो आप सी वन और सी टू ही लोगे, यहाँ पर एक्स नहीं होगा, यहाँ पर एक्स होगा और साथ में ई रेस टू द पावर थ्री एक्स। फिर हमें क्या निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है ना, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल बेटा मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ। सो इट मीन्स एग्जाम्पल नंबर टू में मैं आपको सिर्फ पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल के दिखा रही हूँ, उससे पहले का सारा पार्ट आप लोगों को खुद से ही सॉल्व करना है। अब देखो पर्टिकुलर इंटीग्रल हम कैसे सॉल्व करते हैं, डी का फंक्शन और साथ में क्या आ जाएगा, जो आपकी राइट हैंड साइड थी। ठीक है, अब एक्स का कोफिशियंट क्या है, थ्री, तो डी की वैल्यू क्या पुट करेंगे, थ्री पुट करो, डी के प्लेस पर क्या आ जाएगा, थ्री, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। और मैंने क्या बोला था कि हमारे पास डिनोमिनेटर कभी भी जीरो आ जाता है तो वो हमारा क्या हो जाता है, केस ऑफ फेलियर। तो इन केसेस में बेटा हमें क्या करना है, जब भी केस ऑफ फेलियर होगा तो मैं क्या करूंगी, जो मुझे ये वाली टर्म दी हुई थी ना, ये वाली जो टर्म थी, इसको हम दोबारा ले लेंगे, वन अपॉन डी माइनस थ्री का होल स्क्वायर ई रेस टू द पावर थ्री एक्स। यानी कि जिसमें भी हमारा केस ऑफ फेलियर आया है उसको आपको दोबारा से ही लेना है। चलो दोबारा से लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, केस ऑफ फेलियर के लिए हमें यहां पर एक फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको बताया था केस ऑफ फेलियर का, बेटा ये वाला देखो, ये हमारा किसके इक्वल था, एक्स वन अपॉन फंक्शन का डेरिवेटिव और साथ में ये वाली टर्म। तो बेटा आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर ये केस ऑफ फेलियर आ गया है ना, तो आपको एक तो एक्स लिखना है सबसे पहले अपनी मल्टीप्लाई में, और वन अपॉन डेरिवेटिव करना है किसका, इसका डी माइनस थ्री के होल स्क्वायर का, और ई रेस टू द पावर थ्री एक्स एज इट इज। दोबारा देखो बेटा, अगर यहाँ पे मेरा केस ऑफ फेलियर आया है तो केस ऑफ फेलियर को सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, एक्स की मल्टीप्लाई करनी है, साथ में वन अपॉन जो भी ये डी वाली टर्म थी, डी का फंक्शन था, उसका हमें क्या करना होता है, डेरिवेटिव, और ई रेस टू द पावर थ्री एक्स, यानी कि जो एक्स का फंक्शन था वो क्या रहेगा, एज इट इज। चलो अब डिफ्रेंसिएशन करते हैं, इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगी, टू डी माइनस थ्री, टू माइनस वन वन ही हो जाएगा, और डी की डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगी, वन। डिफ्रेंसिएशन तो सबको आती है ना करनी, इसकी डिफ्रेंसिएशन करनी है बेटा डी के रेस्पेक्ट में, तो जब मैं डी के रेस्पेक्ट में करूंगी पावर कहाँ आ जाएगी, मल्टीप्लाई में, टू माइनस वन कितना होता है, वन, और डी की क्या हो जाएगी, वन। तो आफ्टर डिफ्रेंशिएट हमारे पास ये वैल्यू आ गई, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, हाँ मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, यहाँ पर मैंने टू एक्स के अपॉन में लिखा और ये वाली टर्म हो जाएगी। नाउ अगेन वी हैव टू पुट
डिफ्रेंशिएशन होगी, डिफ्रेंशिएशन करने के बाद अब दोबारा से डी की वैल्यू 3 पुट करनी है। चलो दोबारा से पुट करो, 3 माइनस 3 फिर से 0 हो गया, यानी कि अभी फिर से मेरे पास दोबारा से क्या आ गया, केस ऑफ फेलियर। ठीक है ना, एक बार केस ऑफ फेलियर आया, मैंने केस ऑफ फेलियर का रिजल्ट अप्लाई किया, दोबारा सॉल्व किया, दोबारा केस ऑफ फेलियर आ गया। अब जब दोबारा केस ऑफ फेलियर आ गया ना, दोबारा से सॉल्व करो, तो अब क्या करोगे आप, एक्स अपॉन 2 वन अपॉन डी माइनस 3 ई रेस टू दी पावर 3x। केस ऑफ फेलियर बेटा किस पे आया है, इस पे ही तो आया है, क्योंकि मैंने इसकी तो डिफ्रेंसिएशन कर दी, डिफ्रेंसिएशन करके ये वाली टर्म आ गई। अब मैंने इस वाले टर्म पे जब दोबारा से डी की वैल्यू पुट की तो मेरा केस ऑफ फेलियर आ गया। तो अब आपको इस वाले टर्म पे केस ऑफ फेलियर लगाना है। जब मैं इस वाले टर्म पे केस ऑफ फेलियर लगाऊंगी तो मेरा क्या लगेगा, एक्स अपॉन 2 ये वाला टर्म एज इट इज, फिर साथ में एक आप एक्स की मल्टीप्लाई करोगे और डिफ्रेंसिएशन करोगे अपने डी के फंक्शन की। क्लियर है ना, क्या कर रही हूं मैं, दोबारा से देखो, एक्स अपॉन 2 एज इट इज, लेकिन साथ में हम एक्स की मल्टीप्लाई करते हैं ना, केस ऑफ फेलियर में मैंने एक्स की मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में जो डी का फंक्शन था उसकी डिफ्रेंसिएशन की, और साथ में क्या आ जाएगा, ई रेस टू द पावर 3x। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे देखो, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, फिर आपको डिफ्रेंसिएशन करनी है, डिफ्रेंसिएशन किसकी करनी है बेटा, डी माइनस 3 की, और साथ में क्या आएगा, ई रेस टू द पावर 3x। डी माइनस 3 की डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगी, डी की डिफ्रेंसिएशन 1 और 3 की क्या हो जाएगी 0, तो यहां पे क्या आ जाएगा 1, तो मेरे पास क्या वैल्यू रह गई, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ई रेस टू द पावर 3x। अब ये आपके पास क्या आ गया बेटा, पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जब भी केस ऑफ फेलियर आएगा तो आपको ये ध्यान रखना है बेटा कि मेरा केस ऑफ फेलियर किस कंडीशन पे आ रहा है। जिस भी कंडीशन पे केस ऑफ फेलियर आ रहा है तो आपने क्या करना है, उसमें एक्स की मल्टीप्लाई करनी है और डी वाले फंक्शन की डिफ्रेंसिएशन करके दोबारा से उसको सॉल्व करना है, और दोबारा से आपको चेक करना है कि क्या मुझे पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू मिलेगी या नहीं। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया, उसके बाद आपको क्या निकालना है, कंप्लीट सॉल्यूशन, और उसके लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो बेटा यहां पे देखो ये हमने सॉल्व कर लिया, इसके बाद आपको क्या करना है, बस ये टर्म निकालनी है, ये आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, तो ये आपको करना है। वैसे बेटा इसमें हर एक एक्सरसाइज में अलग अलग हमने रिजल्ट यूज करने हैं, तो एक बार आप ट्राई कीजिएगा 9.2। किसी भी बच्चे को कोई डाउट होगा तो वो आपको मैं समझाऊंगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में फिलहाल बस इतना ही करते हैं, बाकी मैं आपको कल कराऊंगी। ठीक है, थैंक यू।